नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साधनाज बास्केट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। आज हम शकरकंदी की मीठी रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो शकरकंदी लिया हुआ है। ये एक बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ कर लिया है। सभी शकरकंदी को हमने काट लिया है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े किसी भी साइज के टुकड़े काट सकते हैं। अब इसे हम पकाते हैं। गैस पर हमने एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हमने जो शकरकंदी काट करके रखे हुए थे उसे इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए मिलाते हुए चला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम ही रखना है। अब पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसके ढक्कन को हटा करके एक बार इसे चला लेते हैं। अब इसमें हमें गुड़ मिक्स करना है। घी के साथ इसमें शकरकंद ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, जिसके वजह से ये थोड़ा पानी पानी सा दिख रहा है। अब इसमें हमें गुड़ मिक्स करना है। हमने 100 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से ज्यादा भी गुड़ ले सकते हैं और इसे इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे गुड़ चारों तरफ फैल जाए। गुड़ घी में जाने के बाद पिघल गई है और ये अच्छी तरह से शकरकंद के साथ मिलते जा रही है। इसे और भी मैंने मिला दिया है सही तरीके से। अब फ्लेम को बिल्कुल ही लो करके और इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। मैं इसे ढक दिया और इसे पकने के लिए हमें छोड़ देना है। पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं पके हैं या नहीं। ये अच्छी तरह से पक गई है, ये देखिए काफी अंदर से भी गल चुके हैं। अब इसे 1-2 मिनट के लिए चला करके फिर गैस को ऑफ कर देंगे। ये शकरकंदी बन करके बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ा भी पानी नहीं डाला है। गुड़ और घी की सहायता से ही ये अच्छी तरह से पक गया है। इसमें हमने गैस को बिल्कुल ही लो करके इसे पकाया है। अच्छी तरह से अंदर से पक जाने के वजह से गुड़ की मिठास अंदर तक भी चली गई है। अब गैस को बंद कर देना है। हमारी शकरकंदी बनकर के तैयार हो चुकी है। गैस को हमने ऑफ कर दिया और इसे अब ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी सी हो जाएगी, फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। गुड़ और घी में पके होने की वजह से इसकी मिठास भी बहुत अच्छी है और घी के वजह से इसकी शाइनिंग काफी अच्छी हो गई है। खुशबू और स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है, इसीलिए आप एक बार इसे जरूरी बनाएं और बना करके सबके साथ मिलकर के खाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसे शकरकंद भी कहा जाता है।
ये बहुत ही आसान सी साधारण तरीके से बनने वाली रेसिपी है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहतमंद भी है। मेरी ये रेसिपी को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।